थार का अर्थ एडिशन यहां पर, जो कि 4x4 ऑप्शन के साथ आता है महिंद्रा थार में यहां पर, और ये इसकी राउंड शेप में क्लियर लेंस हेलोजन हेडलाइट, और ये इसकी DRLs एंड टर्न इंडिकेटर, और ये है महिंद्रा का यहां पर ब्लैक फिनिश में। आप लोगों को यहां पर बैजिंग मिलती है महिंद्रा की, बाकी ग्रिल भी ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, और ये जो कलर है अर्थ एडिशन के साथ ही आप लोगों को अवेलेबल रहेगा महिंद्रा थार के अंदर 4x4 ऑप्शन के साथ। और ये गाड़ी का है कंप्लीट यहां पर साइड से लुक, काफी बेहतरीन यहां पर महिंद्रा थार का जो लुक है ओवरऑल निकल के आता है, जो इसकी रोड प्रेजेंस है। बाकी बहुत ही जल्द 5 डोर में वर्जन में भी आने वाली है महिंद्रा थार, और उसमें भी जो इंजन है उसमें आप लोगों को पावर जो है उसकी स्पेक्स वो और भी ज्यादा बढ़ के मिलेगी उसके अंदर, और बोनेट में डिजाइन मिलता है बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए, 2 वाइपर मिल जाते हैं विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए यहां पर। और यह है गाड़ी का यहां पर कंप्लीट साइड से लुक, ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग मिल जाती है, और यह है इसके 18 इंच के एलॉय व्हील, ऑल टेरेन टायर्स मिल जाते हैं आप लोगों को कंपनी की तरफ से MRF के, थार की बैजिंग फेंडर में, और आउटसाइड मिरर में भी थार की बैजिंग यहां पर दी गई है। बाकी इसकी जो विजिबिलिटी वगैरह है वो भी काफी अच्छी है, साइज में काफी बड़े मिलते हैं वो, फुटरेस्ट मिल जाता है यहां पर क्योंकि टॉप वेरियंट आप ये देख रहे हैं, 4x4 का ऑप्शन आप लोगों को पीछे जो बैजिंग है वो दी गई है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी का अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल स्पेशली इस 3 डोर थार का काफी बेहतरीन है, ऑफ रोडिंग के मामले में काफी बेहतरीन यहां पर ये परफॉर्म करके निकलती है महिंद्रा थार सारे ऑब्स्टिकल से। और पीछे की तरफ ये स्पेयर व्हील मिल जाता है यहां पर इसके टेल में माउंटेड, LED आप लोगों को पीछे की तरफ टेल लाइट मिल जाती है, ऊपर की तरफ LED हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलती है। बाकी ऐसा कुछ आप लोगों को फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर भी मिल जाता है कीज के अंदर। नीचे की तरफ बम्पर में रिफ्लेक्टर मिल जाता है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। और एक जो निगेटिव पॉइंट है महिंद्रा थार का वो यही है कि यहां पर जो फ्यूड लिड ओपन करना है वो की से ही ओपन करना पड़ता है यहां पर गाड़ी के अंदर, और वहीं से एडब्लू डल जाएगा क्योंकि BS6 गाड़ी आप ये देख रहे हैं डीजल इंजन के साथ, BS6 Phase 2 कंप्लाइंट। एंड ये कलर काफी बेहतरीन लगता है महिंद्रा थार में देखने में। और आइए अब गाड़ी के पीछे के डोर का लुक ओपन करके देख लेते हैं यहां पर, तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के पीछे का कंप्लीट बूट स्पेस, और यहां पर जो ग्लास एरिया है उसको भी आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा कंप्लीटली बूट को एक्सेस करने के लिए। और यहां पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं बेहतर सेफ्टी के लिए रियर पैसेंजर्स के लिए। बाकी जो मैटिंग वगैरह आप देख रहे हैं ये है गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज का पार्ट, और ये कंपनी की तरफ से ही लग के मिलती है आप लोगों को इस महिंद्रा की थार में अर्थ एडिशन अगर आप परचेस करते हैं तो। और ऐसे कुछ गाड़ी की लेदराइट कंप्लीट सीट कवर आप लोगों को यहां पर दिए गए गाड़ी के अंदर, साथ ही साथ ये आप लोग देख सकते हैं आर्मरेस्ट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए गए कप होल्डर के साथ, दोनों ही तरफ में आप लोगों को मिल जाते हैं आर्मरेस्ट, बिग साइज ग्लास एरिया मिल जाता है, और यहां से कुछ इस तरीके से ओपन होते हैं। इसके अंदर डिसेंट स्पेस भी मिल जाती है, यहां अपना सेल फोन वगैरह रख सकते हैं, 2 कप होल्डर मिलते हैं आगे की तरफ। और चलिए यहां से मैं क्लोज कर लेता हूं उसके पहले ग्लास को, पहले ग्लास को क्लोज करना होता है उसके बाद जो गाड़ी का बूट है उसको आप लोग बंद कर सकते हैं। बाकी रियर विंडशील्ड में यहां पर रियर डिफॉगर भी मिल जाता है, और कुछ इस तरीके से बूट क्लोज होता है गाड़ी का यहां पर महिंद्रा थार का। पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है 4x4 ऑटोमेटिक एंड मैनुअल में, साइड में अर्थ एडिशन की बैजिंग दी गई है यहां पर, ये आप लोग देख सकते हैं इसका कंप्लीट लुक बैजिंग का। और आइए अब गाड़ी का ड्राइवर साइड गेट का लुक ओपन करके देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक फिनिश में कंप्लीट डोर की फिनिश दी गई है यहां पर, कंप्लीट ब्लैक फिनिश में डोर की फिनिश मिलती है। आउटसाइड ORVMs वहीं से आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, 2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं फ्रंट के डोर्स में, और ये कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक है। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की फ्रंट की सीट, ड्राइवर साइड सीट की यहां पर हाइट को भी मैन्युअली एडजस्ट किया जा सकता है गाड़ी के अंदर इस लीवर की मदद से। और जो विजिबिलिटी वगैरह मिलती है गाड़ी में वो काफी बेहतरीन मिलती है अंदर बैठने के बाद, और ये मैट्स कंप्लीट। और चलिए अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं, बाकी गाड़ी में जो अंदर जाने में और बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं आती। राइट साइड में काफी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं आप लोगों को इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए,
जो ब्राइटनेस वगैरह है वहां से ही आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं केबिन की। हेडलाइट का लेवल एडजस्ट किया जा सकता है वहीं से। और यहां पर थर्ड के साथ, प्रॉपर थर्ड के साथ गाड़ी के डोर क्लोज होते हैं यहां पर। और अच्छी बात क्या है कि महिंद्रा अपनी सभी गाड़ियों में यहां पर एल्यूमिनेटेड कीरिंग एरिया मिल देता है यहां पर। और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का यहां पर कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रुक, राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर और बीच में एमआईडी मिलती है। कंप्लीट वेलकम करता है जब गाड़ी को आप लोग ऑन करते हैं तो स्वाइप होके। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिल जाता है यहाँ पर। काफी स्पोर्टी फिनिश के साथ डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए ट्रिप भी, गाड़ी का रियल टाइम एवरेज, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, ये सारी चीजें बता देगा टायर डायरेक्शन के साथ साथ। एंड दोस्तों गाड़ी की जो विजिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं, बोनट प्रॉपर दिखाई देता है, क्या बेहतरीन विजिबिलिटी मिलती है गाड़ी के अंदर। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए यहाँ पर, टिल्ट फंक्शन के साथ गाड़ी के अंदर मिल जाता है स्टेयरिंग व्हील। और ये कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक है, डैशबोर्ड में इस ड्यूल कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है अर्थ एडिशन के साथ महिंद्रा थार के अंदर। और ये कंप्लीट क्लस्टर का लुक है यहां पर। और सेंटर में आप लोगों को दिया गया है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, जो कि यहां पर ब्लूटूथ एफएम रेडियो से भी कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करता है ये। बाकी इसके जो टच का रिस्पॉन्स है वो भी सेम महिंद्रा के से पुरानी गाड़ियों में आता था, थार में वैसे ही सेम आप लोगों को देखने को मिलता है इस अर्थ एडिशन के अंदर भी। नीचे की तरफ कंट्रोल्स दिए गए कंप्लीट एसी वेंट्स के, एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, मैनुअल एसी दिया गया है गाड़ी के अंदर विथ हीटर। और जो इसका नीचे का एरिया दिया गया है फ्लोर का महिंद्रा थार के अंदर, वहां पर भी आप लोगों को ड्रेन नट्स देखने को मिल जाते हैं, इससे अगर कभी गाड़ी ऑफ रोडिंग करे और अंदर पानी भर जाए तो उसको भी आप लोग नट को ओपन करके गाड़ी से अंदर जितना भी पानी है पूरा ड्रेन हो जाएगा। हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम्स, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और ये 4x4 वर्जन आप देख रहे हैं, और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है यहां पर, 4x4 डीजल एंड पेट्रोल दोनों के ही अंदर ऑटोमेटिक के साथ साथ। सेंटर में मिलता है आर्मरेस्ट स्लाइडिंग फंक्शन के साथ, जो कि काफी हेल्पफुल चीज है। और इसके अंदर भी आप लोगों को डिसेंट स्पेस दी गई है, रबराइज मटेरियल मिलता है यहां पर, मैनुअल हैंडब्रेक मिलती है, 2 पावर विंडो की कंट्रोल फ्रंट डोर्स के लिए। और सेंटर में रीडिंग लाइट, रूफ माउंटेड स्पीकर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और ऐसे कुछ दिखती है गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट की सीट, काफी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं ड्यूल टोन कलर ऑप्शन में। ग्लव बॉक्स में भी डिसेंट स्पेस दिया गया है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी चलाने में जो है काफी बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर जो पिकअप वगैरह देखने को मिलता है इस 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन के साथ। अगर आप टू व्हील ड्राइव ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन में परचेस कर सकते हैं महिंद्रा थार, उसमें केवल इंजन का फर्क रहेगा और 4x4 ट्रांसमिशन का। और चलिए यहां से मैं गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं गाड़ी का इंजन यहाँ पर। महिंद्रा थार के अर्थ एडिशन का बॉडी ग्राफिक्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर, 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं काफी बेहतरीन लुक्स के साथ। और यहाँ पर एक प्रॉपर एक रॉ फील के लिए आप लोगों को पहले ये 2 लीवर को ओपन करना पड़ता है बोनट ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से। और यह है दोस्तों महिंद्रा की तरफ से आने वाला 2.2 लीटर का एमहॉक इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 130 BHP की पावर देगा एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क। इसके अलावा 2000 cc इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज एम स्टेलियन GDI पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन आता है, और ये भी काफी पावरफुल डीजल इंजन है, BS6 Phase 2 कंप्लाइंट 4x4 ऑप्शन के साथ आएगा, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट इंजन बे का लुक, काफी हैवी इंजन है ये। तो चलिए मैं गाड़ी का बोनट क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। तो जिस तरीके से गाड़ी का बोनट आप लोग क्लोज कर सकते हैं काफी इजिली तरीके से, प्रॉपर एक रॉ फील यहाँ पर प्रोवाइड किया है महिंद्रा ने गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा महिंद्रा थार के अर्थ एडिशन का ये वीडियो, मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।